हफ्ते के सुई निकालने के बाद सुई के आगे से धागे के, जो ये यहाँ पे धागा दिख रहा है ना आपको, इसके आगे से सुई को डालेंगे। मेक श्योर कि वो पीछे वाले इस पे भी आए, ठीक है, और थोड़ी सी आगे से निकाल देंगे। बहुत छोटा सा टांका लेना है, बस इसको हाफ करना है, इसके बीच में इस तरह से फंसाना है, यहाँ पे इस तरह से सुई डालनी है, यहाँ निकाल देंगे, इस तरह से सुई डालनी है और निकाल देंगे, इस तरह से सुई डालनी है और निकाल देंगे। टांके दिखेंगे भी नहीं और ये बहुत सुंदर लुक के साथ लग जाएगा, तो बस इसी तरह हमें कंप्लीट करते जाना है। रिबन को इसके बीच में आधा इधर फंसाना है, अगर कहीं झोल आ रहा है क्योंकि ये गोलाई में है, ठीक है, तो उस झोल को हम इसी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से लिया और इस तरह से पीछे से देखें, जो पीछे वाला रिबन है पीछे की साइड पे, उस पे धागा आना चाहिए, कहीं आकर नीचे जाएगा तो ये उठा उठा आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जो हमारा थ्रेड है उसके बिल्कुल साफ है, सुई को इस तरह से लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से लेंगे और इस तरह से। अब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी इसी तरह, ये देखिए इतना मैंने कर लिया है। ये हल्का हल्का इस तरह से चुनटे आएंगी तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा सर्कल में और ये स्ट्रेट है, बट ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब ये हो गया, यहां मैं कंप्लीट कर रही हूँ, कंप्लीट करने के लिए मैंने कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से रख के बिल्कुल इसके ऊपर ही कंप्लीट करेंगे। अब जैसे जो मेरा धागा है इसकी इधर से आगे से मैं सुई को डाल रही हूँ और धागे के पीछे से, तो धागा मेरा सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब अगर आप धागे के इधर से ही सुई डालते हैं तो वो कच्चे की तरह हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए अगर धागा खिंच जाता है तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। अब यहां पे इसको मैं बंद कर दूंगी। धागे सारे देखिए इसके ऊपर ही आए हैं, कोई भी इसके ऊपर नहीं आएगा धागा, सारा रिबन के ऊपर ही आएगा। घेरा कंप्लीट करने के बाद अब मेरे को गले और बाजू के ऊपर लगाना है। इसके लिए मैं ये गोल्डन रिबन ले रही हूँ, ये कम चौड़ा है, बिल्कुल आधे इंच वाला, ठीक है। इससे ना गले के ऊपर देखिए लगेगा तो बहुत मुश्किल से टाइट आएगा, इसको लगाना बहुत उससे होगा इस तरह से, बट क्या होगा पाइपिंग सी बन जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी, तो इसलिए गले के ऊपर और बाजू के ऊपर हम ये वाला लगाएंगे। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप सेम भी लगा सकते हैं, लगाने का तरीका वही रहेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मोड़ के यहाँ पे इसको मोड़ा, अब इसी तरह से सुई डाल के जैसे हमने पहले करा बिल्कुल उसी तरह से हम निकालते जाएंगे। बस ये रिबन बिल्कुल चौड़ा नहीं है तो इसको बहुत संभाल के पकड़ के करेंगे, बहुत संभाल के पकड़ के करेंगे ताकि वो कवर भी हो जाए और सफाई भी आ जाए। लगाने का तरीका सेम है, आधा देखिए पीछे की तरफ मुड़ रहा है, आधा आगे की तरफ, बस ये चौड़ा कम है तो इसलिए लगाएंगे इसको बहुत प्यार से। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह,
देखिए गले पे लग गई है। यहाँ पे थोड़ा सा झोल हम देंगे ताकि, क्योंकि गले का साइज हमें बड़ा चाहिए, ओपन ड्रेस तो है नहीं जो हाथ से आ जाएगी, इसको हमें गले में से ही पहनाना है, तो गले का साइज हम बड़ा देंगे और इसे थोड़ी सी चुनरी डाल देंगे, तो बाद में आप देखेंगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब पहनाते हैं तो बिल्कुल क्लीन आता है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम इधर बाजू पे, जो ये दो बाजू के कट हमने लगाए हैं, इनके ऊपर भी हम सेम तरीके से ये लगा देंगे। देखिए लग गए हैं दोनों हाथ पे, दोनों पैर पे। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का आएगा। ठीक है, अब जब हम पहनाएंगे कान्हा जी को गले से बाजू से पहना के, यहाँ पे बीच में हम उनके वेस्ट चेन बांध लेंगे, तो ये घेरा मेरा पूरा फैल जाएगा इस तरह से, ये इस तरह की फिट आ जाएगी, तो बहुत सुंदर लगती है। अगर कम ठंड है तो आप सिंपल पहना सकते हैं, ज्यादा ठंड है तो इसके ऊपर पोचो बना सकते हैं, जो हमने इसी क्लोथ का बनाया है वो आप इसके ऊपर पहना सकते हैं कंप्लीट लुक देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।